बाबा ये मंदिर कब का बना हुआ है? ये मंदिर कब का बना हुआ है? ये मंदिर तो अभी बन ही रहा है। अभी बन रहा है? मतलब कब से आप यहाँ पे हैं इस मंदिर पे? आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो युगों से चलते फिरते हैं यहाँ, तो पहले तो कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था यहाँ पहले? हाँ, यहाँ पर एक ऊपर रहते थे सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा? हाँ, वो यहाँ आकर के बैठते थे। अच्छा। उनके नाम से ये सिद्ध बाबा मंदिर है। जी जी जी। बनाया हुआ। ये जगह कौन सी है? हाँ, ये जगह कौन सी है? ये जगह तो दोभान है, दोभा जिला है। जी, हम लोग आए हुए घूमने के लिए, हमें कुछ पता नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ? हम लोग आए मंदिर ही घूमने जा रहे थे, रास्ते में तो हमने देखा मंदिर, तो हम लोग घूम लें। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं आगे काठमांडू साइड। तो काठमांडू पुराना क्षेत्र है। अच्छा। हाँ? अच्छा, सिद्ध बाबा यहाँ ऊपर चोटी पे रहते थे? हाँ? उधर ऊपर रहते थे सिद्ध बाबा पहाड़ों पे? ऊपर उनका कुटिया था। अच्छा। वो बैठते थे रोजी यहाँ पर यात्री चलते, ये मार्ग है। अच्छा। पक्का पगडंडी था पहले। अच्छा अच्छा। ऐसा रोड थोड़ी था, ये तो आज बना 73 साल के इधर। अच्छा। 73 वर्ष हो गया। अच्छा, उसके पहले नहीं था? उससे पहले तो पगडंडी था। अच्छा। पैदल यात्रा थी, चलती थी। अच्छा अच्छा। हाँ? अच्छा, 73 वर्ष। अब 20 वर्ष में तो विश्व युद्ध यहीं से शुरू होगा। अब 20 वर्ष में तो ये समझौता खारिज हो जाएगा। 20-22 साल में। अच्छा, 20-22 साल में समझौता जो खारिज हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर तो जहां का तहीं जाना पड़ेगा, ये भी जानो। अच्छा, जिस देश में जिसका संबंध रहता है वहां पर तो रहना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विदेशी जितने नेपाली हैं सब इधर आना पड़ेगा, इधर के जितने हैं बाहर जाने पड़ेगा। तो उस समय से यहाँ विश्व युद्ध शुरू होगा। इस समय, हाँ, ये तृतीय विश्व युद्ध आ गया। अच्छा। हाँ, वो 100 वर्ष चलेगा, फिर एक दो साल में थोड़ी खत्म होता है। 100 वर्ष तक चलेगा? 100 वर्ष चलेगा। ये कहाँ जाएगा उसको कोई पता नहीं है। तो हिंदू का तो समाप्त कर दिया ना, हिंदू ने हमने समाप्त कर दिया। कहाँ समाप्त हो गए, कैसे आप बोल रहे हैं? नाम से हिंदू थोड़ी होता है, उसका रक्षक कौन है बताओ? रक्षक बनना पड़ेगा ना। तो है कौन? उसको तो खत्म कर दिया ना। नहीं नहीं, कहाँ खत्म कर दिया, आप लोग हैं ना, आप लोग हम लोग को आगे बताएंगे। आप लोग, हम लोग तो हैं, हमने धर्म छोड़ दिया। हाँ, धर्म छोड़ने वाले बच्चे हैं। धर्म छोड़ने वाले ब्राह्मण और योगी है, और छोड़ा नहीं है। ब्राह्मण जाति है अभी कहीं? कहीं नहीं है। तो हमारे भारत में तो आज भी ब्राह्मण जाति है। ब्राह्मण जाति कर्म है उनका, स्वतंत्र है। हाँ, कर्म है, वो कर्म करे अपना, जो अपना कर्म, मतलब पुण्य जो ना, 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 वो कर्म तो सब जीव करती है। जीव कर्म बिना कोई भी नहीं रह सकता, वो तो अलग बात है। जी जी। धर्म तो अनेक होता है, पर रक्षक बिना धर्म को रक्षा बिना कोई नहीं विश्व में। हिंदू का विश्व में नहीं है, एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, योगी नरेंद्रनाथ के साथ पूरे विश्व में उसने उसने विश्व युद्ध लाकर छोड़ दिया। पश्चिम जिला ज्वाला, कांगड़ा, दक्षिण इलाहाबाद, आधा काशी, ये हमने आज से 550 वर्ष आगे, 600 वर्ष इधर का बात है, वो नहीं लिखा योगी नरेंद्रनाथ ने। उसके बाद पीछे का इतिहास लिया करके अंग्रेज के साथ जो संग्राम हुआ, और हमारा कश्मीर का राजा मारा गया, राजा हरि सिंह, कश्मीर छूट गई, राजा हरि सिंह, राजा हरिश्चंद्र नहीं, वो तो राजस्थानी है। राजा हरि सिंह जो था वहाँ, वो राजस्थानी था? ना ना, राजा हरिश्चंद ये पहले की बात है। अच्छा। कलयुग आज कितने गया तुमको क्या पता है? तभी बताएंगे ना। हाँ। जो पता रहेगा हम लोग वही जानेंगे। कलयुग वर्मा जी के एक दिन में 4 युग व्यतीत होता है। अच्छा। आयु सबके बराबर थोड़ी होती है। ब्रह्मा जी, जगतपति ब्रह्मा जी की आयु है, उनके 7 ऋषि हैं, 4 सांकल्पिक ऋषि है, 7 ही 14
चार सात महर्षि, चार महर्षि सात सप्तऋषि, हाँ ये ब्रह्मा जी के 100 साल जब तक आयु है तब तक रहेंगे, लेकिन अभी ये प्रत्यक्ष थोड़ी आते हैं। शैव ऋषि को देकर के छोड़ दिया विश्वामित्र को, किसने? उसने विश्वामित्र वशिष्ठ, कहा? सिंधौली जिला में, सिंधौली, हाँ। तो इसीलिए वो इतिहास को खत्म करना चाहता भारत, और हिंदू राष्ट्र का योगी नरहरिनाथ ने, हिंदू राष्ट्र तो शिव का राष्ट्र तो विश्व है, शिव का झंडा नहीं झुकेगा, नेपाल का झंडा नहीं झुकेगा, विश्व में फायर आएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र आएगा नहीं, राजा नहीं आएगा, ये भी जानो। अब आपकी जन्मतिथि क्या होगी? हाँ, आपकी जन्मतिथि क्या होगी? क्या रे? आपकी जन्मतिथि क्या होगी, मतलब क्या, आपकी उम्र कितनी होगी? आपकी उम्र कितनी होगी? हाँ, यहाँ उम्र कुछ नहीं होता है, हाँ। यहाँ जन्म नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, हाँ। वो पराक विद्या है, जन्म मृत्यु तो लोगों की माटी की होती है, अपना थोड़ी होता है। जी जी, 600 वर्ष आगे हमने इतिहास लिखा, संविधान बनाया हिंदू राष्ट्र का, उसी का नकल सार के योगी नरहरिनाथ ने कश्मीर और कृष्णा नदी भोट, ये सीमाना था पहले का हमारा, हिंदू राष्ट्र जब बनाया शिव की इच्छा से, हाँ। तो उस समय के इतिहास, अभी संयुक्त राष्ट्र में उसका अंग्रेज साथ में जो समझौता हुई थी उसका मुद्दा चला दिया योगी नरहरिनाथ ने, और वो कांग्रेस का नेता है, इसलिए वो मतलब राजा ने भी धर्म साथ नहीं दिया, हमने भी साथ नहीं दिया एक किस्म से, और राजा का झंडा तो नहीं है वो, नेपाल का झंडा तो नहीं है वो, तो शिव का झंडा है, शिव का, हाँ, भगवान शिव का, शिव का झंडा है जी, तो वो झुकेगा नहीं कभी, वो तो कभी नहीं झुकेगा, हाँ, वो मोड़ वो नहीं झुकेगा रहेगा, लेकिन नाथ योगी समाज सब एक होकर के अभी जो इलाहाबाद में समझौता हो रहा है उसमें इसका निर्णय करना पड़ेगा। आप इलाहाबाद जाते हो ना आने? हाँ, इलाहाबाद साइड में काशी जाते हो आप? इधर हम तो उधर ही हैं, अभी भी हम तो विश्वमय है, कहीं भी नहीं है, ये तो मिट्टी है। जी जी, वो अलग चीज है। बना यहाँ एक नेपाली कांग्रेस, एक भारतीय कांग्रेस, एक अमेरिकन कांग्रेस पार्टी, सिद्धांत भिन्न भिन्न है। नेपाली कांग्रेस में भी सब घुसपैठ है, भारतीय कांग्रेस में भी सब घुसपैठ है, अमेरिकन कांग्रेस में भी सब घुसपैठ है, आपस में द्वंद्व है। अमेरिकन कांग्रेस अमेरिकन बनाना चाहता है, भारतीय कांग्रेस भारत बनाना चाहता है, और नेपाली कांग्रेस में कई व्यक्ति नेपाल बनाना चाहते हैं, बहुत कम है, हाँ। तो ये हम लोगों ने भूल किया पहले, आज का नहीं, हाँ, ये आज का गलती नहीं, तुम्हारा गलती नहीं, तुम लोग तो जस्ट जैसा पढ़ाया जैसे सिखाया वैसे सीख लिया है ना? जी जी, और नहीं तो हम लोग की उम्र कितनी है? उसे ज्यादा क्या जान सकते हो तुम? तो इसीलिए विश्व युद्ध यहीं से शुरू होगा, इसी प्रांत से, और चाहिए विश्व युद्ध क्योंकि एक चढ़ा बचड़ा एक भी काम नहीं। यहाँ से कश्मीर कितना दूर होगा वो? हाँ, कश्मीर यहाँ पास ही में होगा ना? कश्मीर तो इधर ही नजदीक तो है, दूर थोड़ी है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से सीधे जाओ तो 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन अब रास्ता घूम करके जाओ तो समय लगता है। ये पहाड़ी के उस पार कश्मीर? हाँ, ये पहाड़ी तो ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, हाँ, तो ये इसी के अंदर सारा जम्बूद्वीप है, हाँ, जम्बूद्वीप भ्रमण करने के लिए तो सोलुखुम्बु से ऐसे घुमा जाता है, उस मस्तक है सोलुखुम्बु विश्व का, जम्बूद्वीप का, ये चीज किसको, इसका इतिहास किसको पता है? ये तो एक ही है, चीन भारत बनेगा, ये चीन और भारत को लड़ा करके विश्व के लोग चाह रहे हैं नेपाल को,
नेपाल में तो बहुत कुछ ही है ना, नेपाल में नहीं हुआ तो वो तो एक पर्वत जिला में एक ही स्थान में एक तोला यूरोपियन को का मूल्य करोड़ों रुपया है में बिक्री होता विदेश में, वो यहां से ला जाकर बिक्री कर रहे हैं, वो लोग उसके अंदर प्रवेश करने नहीं देते, उस जिसने वहां पर वो कर लिया उसी का हो जाता है, वहां अंदर नहीं जाने देता किसी को, इस किसी का अन्याय अत्याचार यहां पर हो रहा है और विश्व इसमें लगा हुआ है। पहले तो एक मात्र कांग्रेस था और पार्टी नहीं था, तब भारत ने नेपाल को नहीं ले सका, अब तो नेपाल भारत तरफ जाएगा ही नहीं, ले ही नहीं सकेगा, कोई देगा ही नहीं, सब एक हो रहा है, छोटे छोटे राज्य सब विश्व में यही क्रांति है। अरे हमें भी गर्व है इस बात पे कि नेपाल इतना छोटा राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र था, अभी थोड़ी है, क्यों अब नहीं है, तो राजा नहीं है ना, गद्दी छोड़ दिया उसने, उसने धर्म छोड़ दिया, जोगियों का राज था, रोज जोगी ने धर्म छोड़ दिया, साधु ने, योगी नरहरिनाथ बीपी महेंद्र तीन ने बौद्धली व्यवस्था इधर ले आया है, ये नहीं जाएगा, बौद्धली व्यवस्था रहेगा यहां पे 22 साल तक और 22 साल तक, उसके बाद की देर होने के बाद तो कुछ भी नहीं रहेगा, जोन लड़ करके ऐसे युद्ध थोड़ी करना पाता है जिसके पास मेरे पास मैं बड़ा राष्ट्र हूं, राष्ट्र बड़ा और छोटा नहीं होता, मानव छोटा और बड़ा नहीं होता, हा? मानव का अधिकार तो सब खोस लिया ना, कहीं कोई स्वतंत्र व्यक्ति कोई है ही नहीं, है निकालो जाओ हमारे पास स्वतंत्र कोई आए तो, साधु बनने से थोड़ी होता, स्वतंत्र नहीं हो बंधन में जलाओ, पार्टी के अंदर है, संप्रदाय के अंदर है, जाति के अंदर है, भाषी के अंदर है, फिर क्या होगा, ये सब से ज्यादा भूल भारतीय योगी समाज ने किया है। हाँ, जो उत्तर प्रदेश का महानता है ना, क्या नाम उसका, योगी आदित्यनाथ, हाँ? योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ जी, उसका खबर कोई छू हो जाएगा, वो भी स्वतंत्र नहीं है, मोदी भी स्वतंत्र नहीं है, वो तो सब बंधन में बांधे हुए हैं, वो स्वतंत्र जब नहीं है तो वो क्या कर सकता, उसके अंदर सेना नहीं है, मोदी का अंदर सेना, राष्ट्रपति का अंदर भी नहीं है, सेना के अंदर भारतीय सेना के अंदर चाइनीज जासूस है, हमने जाना है, अमेरिकन जासूस उधर ही है, अफसर भी है बड़े बड़े, तो इसीलिए भारत सबसे ज्यादा खतरा में पड़ गया, भारत एक ये भाग है पूरा पृथ्वी का, ये जम्मू द्वीप का, ये चीन का भाग है, इसमें एक केवल नदी है, कुछ भी नहीं है, हाँ, तो उसने जो जनसंख्या सबसे ज्यादा है विश्व में ज्यादा है जनसंख्या चीन में, तो अभी यहां पे धर्म खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया हिंदू धर्म, एक हिंदू में गुरु है नहीं, सब गोरु बन गए, क्यों सांड बन गए, हिंदू परिवार में वो जन हिंदू नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, कोई कोई बोला नहीं, बोला परिवार नियोजन करे तो हिजड़ा बन गया, हा? तो हिजड़ा क्या करेगा, तो हिजड़ी क्या करेगी, हा? तो ऐसा चीज तो चल सकता है, हो सकता है, हिंदू का उपदली हिंदू का विनाश हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए सोचो, एक मुसलमान उसका गुरु बोलता है फकीर, एक मुसलमान 10 शादी कर, 10 100 पैदा कर, विश्व में मुस्लिम मुस्लिम बना, वो कहता है, उसका गुरु कहता है, एक ईसाई कहता है धर्म परिवर्तन, हिंदू और मुसलमान को खत्म कर धर्म परिवर्तन, विश्व में ईसाई ईसाई बना,
हिंदू में कौन है बोलने वाला? बोला ले आओ यहाँ इधर, हम उससे बातचीत करेंगे। कोई है विश्व हिंदू विश्व में नहीं है कोई स्वतंत्र जो ऐसा बोले? हाँ, वो बोल नहीं सकता जब बंधा हुआ है। इसीलिए ये खत्म हो जाएगा, हिंदू का विनाश हो जाएगा अगर नहीं सोचा तो। हिंदू में कोई वीर योद्धा लड़का है ही नहीं, जाति नहीं है उसका। इसीलिए 700 वर्ष आगे से गुलाम है भारत, वो हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। अभी राम तो आ ही नहीं सकता, कृष्ण भी नहीं आ सकता। कृष्ण तो यदुवंशी है, राम क्षेत्रीय का संतति है। इसको ये नेपाल को राम का दूसरा अंश मानते थे हिंदू लोग। विश्व में हिंद एकमात्र हिंदू राष्ट्र, हिंदू का समस्त हिंदू का धर्म का केंद्र शिवपुरी काशी को बनाया था हमने। हाँ, अंग्रेज ने उसको धर्म को खंडन नहीं किया, बिल्कुल नहीं सोया धर्म को। हाँ, हम लोग काशी बैठ से हिंदू लोग काठमांडू यात्रा करने आते थे, उनको सुरक्षा देते थे, सिक्योरिटी था। अभी सिक्योरिटी जब छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया। देश के अंदर सिक्योरिटी नहीं है तो वो देश क्या है? भारत में कोई सिक्योरिटी है? नेपाल में कोई अभी सिक्योरिटी है? हाँ, उससे नहीं है, सब खत्म है। इसलिए सोचो हिंदू लोग, सोचो एक बन जाओ, नहीं तो ये एक बनने देगा नहीं। ईसाई इसी के अंदर है, मुसाई इसी के अंदर है,